जय श्री राम, आपका स्वागत है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। अगर आपका कोई काम न बन रहा हो तो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के भी देवता हैं और जीवन में आने वाली सभी तकलीफों और विघ्नों को दूर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी से संबंधित कुछ उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि अगर इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह जातक को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। अब आइए जानते हैं हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्य क्षेत्र या पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात हो, अगर किसी काम में बार बार विघ्न आ रहा हो तो गणेश जी का उपाय करें। इसके लिए प्रत्येक गुरुवार को गणपति जी को घर में या मंदिर में 4 नारियल की माला चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से गणेश जी सारे विघ्न देखते ही देखते दूर कर देते हैं, साथ ही बिगड़ते कार्यों की भी सफलता मिलने लगती है। अगर आपको प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर तमाम मेहनत करने के बावजूद भी आपको परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही हो तो गणेश जी को याद करें और गणपति मंदिर जाकर कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो क्लेश कहते हुए गणेश जी को चढ़ाएं। इसके बाद धागा अपने पर्स में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती है और यदि स्मरण शक्ति को तेज करनी है तो या तो आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो तो गणेश जी की पूजा से यह समस्या दूर हो जाती है। इसके लिए प्रत्येक गुरुवार को मुरमुरे से हवन करें और गणपति अर्ध अथर्व शीर्ष के अंतिम श्लोक का पाठ करें। ऐसा करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। परिवार की सभी तकलीफों के लिए तमाम कोशिशों के बाद भी अगर रिश्तों में दूरियां कम नहीं हो रही है तो नियमित रूप से माता पिता के चरण स्पर्श करें। मान्यता है कि ऐसा करने की वजह से ही गणपति प्रथम पूज्य कहलाए, इसलिए जो भी जातक ऐसा करता है गणेश जी उसके जीवन से सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। और किसी व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता हो तो उसको शांत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को बात बात पर गुस्सा आता हो या मन अशांत रहता हो, तमाम प्रयासों के बावजूद भी गुस्सा न थम रहा हो तो मानसिक तनाव कम न हो तो उसे दूर करने के लिए पार्वती नंदन को लाल रंग का कोई भी फूल चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री गणेश की कृपा व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है, साथ ही उसके जीवन से सारा तनाव दूर हो जाता है। अगर गणेश जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद।